साढ़े सत्रह सौ से ऊपर की हमारी टी जी टी वैकेंसीज हरियाणा में इंग्लिश इंग्लिश की आई हैं सारी कैटेगरीज की मिला के ठीक है टोटल कुछ सात साढ़े सात हज़ार वैकेंसीज uh, आई हैं जिसमें से इंग्लिश की मैक्सिमम है तो जितने भी लोग हरियाणा के टी जी टी का इंतजार कर रहे थे अब एच टेट का पेपर भी आपके सामने है एच एच एस एस सी का टी जी टी का पेपर भी हमारे सामने है बहुत ही जल्दी जो है uh, हमें जो है इसकी तैयारी जो है अच्छे से करनी पड़ेगी हम उस अपरचुनिटी को मिस नहीं कर सकते तो आप लोग जो है अपना फॉर्म फिलिंग वगैरह का जो है प्रोसीजर शुरू कर दीजिए आज 4:45 फोर्टी फाइव पे मैं आपके साथ एक क्लास लेने वाली हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर है उसमें बेसिकली सिलेबस में आता क्या क्या है तो जो इंग्लिश का हमारा पेपर है उसकी तैयारी कहाँ से करें कैसे करें कल मैंने क्लास ली थी जिसके अंदर की जो है मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया था हमारा एच का पी का और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आज की क्लास भी कुछ वैसी सी रहने वाली है मैं बेसिकली आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो जो हमारा का का लेवल टू, लेवल पेपर है उसमें सिलेबस में इंग्लिश में आता क्या है उसकी तैयारी कैसे करें वो सारा एनालिसिस मैं आज 4:45 की क्लास में लूंगी तो जितने भी लोग एच टेट के टीजीटी पीजीटी में इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से जो है मेरी क्लास को देख लें इसी के साथ जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीजीटी की जो है तकरीबन साढ़े सत्रह पोस्ट की वैकेंसीज आ गई हैं फॉर्म्स वगैरह की डेट्स भी सब आ गई हैं आप लोग हमारे बैच हमारे पेज पे ही जो है उसके रिगार्डिंग जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो देख सकते हैं तो अब सिर्फ यूपी वाले नहीं आप लोगों को जो है हरियाणा के भी जो है जितने लोग इंटरेस्टेड थे या वेट कर रहे थे पोस्ट का आपको भी जो है अब इसको वॉर समझना है ठीक है ये ना आपके अब युद्ध होना है आपका जंग लड़नी आपको ठीक है उसका जो है शंख बच चुका है अब आपने जो है उस अकॉर्डिंग जो है आगे चलना है ठीक है सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स लेट लेटस बिगिन टूडेज क्लास फटाफट से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो पेज को सब्सक्राइब कर दो इसी के साथ आपको रिमाइंड में आज इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ एक शॉर्ट भी अपलोड किया था इनफैक्ट कल शाम शाम में दो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे तो मेरा एच टेट का जो कंप्लीट जो बैच है हरियाणा का कंप्लीट जो टेट बैच है तो इसमें आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों एच टेट की जो है तैयारियां हो जाएंगी ये हमने जो है रिलीज कर दिया है हमारी वेबसाइट पे इट इज लाइव राइट नाउ आप आगे कोई भी हरियाणा का टीजीटी पीजीटी पेपर नहीं दे सकते अगर आपका एच टेटी क्वालिफाइड नहीं है तो एच टेट क्वालिफाई करना जरूरी है सबसे पहले बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसके बाद में ही होंगी तो मैं क्लास के एंड में आपको एक बार दिखा दूंगी जितने भी लोग आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है कैसे हम क्लास को करते हैं कैसे हम जो है बैच में एनरोल करें पर बैच लाइव है फर्स्ट कम फर्स्ट सब से बैच में एनरोल करना जो है आप लोग शुरू कर दीजिए इसमें जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपका बेसिक हिंदी आएगा ठीक है नवनीत सर लेंगे जो बेसिक इंग्लिश आएगा निधि मैम लेंगे जो बेसिक आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है साहिल सर लेंगे बेसिक मैथमेटिकल थोड़ा सा पार्ट है आयुष सर लेंगे सी वाला पार्ट जो है हिमानी मैम लेंगी और जो आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश का पार्ट आना है एनसीआर प्लस लिटरेचर वो मैं आपका लूंगी ठीक है सो so, ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर में एचटेट के पेपर में आते हैं और ये जो है हमें प्रिपेयर करने हैं तो इस एक बैच से जो है आपके सारी तैयारी जो है वो हो जाएगी बैच की जो प्राइसिंग है वो है कुछ सिक्स ट्रिपल नाइन ठीक है सेवन थाउजेंड समिंग एम आर पी है बट आपको पता है जादू मंत्र आपके पास है मूल मंत्र आपके पास है वो है कोड बाय फाइव फोर टू 5542 लगाते ही आपको मिलेगा वेबसाइट पे 77% का डिस्काउंट एप्लीकेशन पे 78% का डिस्काउंट उसके बाद ये 7000 का कोर्स हो जाएगा आपका रुपए से भी कम में ठीक है 1500 से भी कम रुपए में जो है आप अपना स्टेट क्वालिफाई कर पाओगे और स्टार्टिंग पे तो फिर आपको पता ही है ठीक है 50-60000 रुपए साथ में सैलरी लेके जो है आप अपनी फर्स्ट अपनी सैलरी uh, आपके हाथ में इन हैंड आया करेगी कुछ फोर्टी समथिंग थाउजेंड कट कटा के तो आज एक छोटा सा बैच उस पर भी लेने वाली हूँ सैलरी रिलेटेड कि सैलरी क्या रहती है हमारी अ, अगर आप एक टी या पी हरियाणा में बन जाते हैं तो उसमें आपकी सैलरी क्या रहती है कट कटा के इन हैंड क्या आता है एक एस्टिमेट में आज क्लास में शाम को आपका लूंगी फाइव फाइव तो वो वाली क्लास में भी मेरे साथ जुड़ जाना अगर मोटिवेशन चाहिए तो ठीक है तो बैच में जो है फटाफट -फट से एनरोल कर लीजिए चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं आज की क्लास काफी मजेदार होने वाली है थोड़ा सा ऑन द गो ऑन द स्पीड हमें रहना है वैसे मैंने इसकी पूरी कंप्लीट क्लास बनाई थी पर ये क्लास बहुत ही लंबी हो गई थी तो अपने पास जितना 40-45 मिनट्स का स्टडी का पीरियड होता है उसमें जो है शायद ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाता तो मैंने क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आज जो है हम हा, हाफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे कल हम हाफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल मिश्ती मिशन है मिशन ट्वेंटी सब लोग मेरे साथ एक बार कॉमेंट सेक्शन में बोल दो जरा सब लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दो जरा मिशन 2022 इस साल आए हुए पेपर्स आप लोगों के लिए गोल्डन गेटवे हैं गोल्डन टिकट्स हैं आपके फ्यूचर को संवारने के लिए आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ऐसी नौकरी पाने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल के रखतेगा ठीक है तो ये मौका है आपके पास हर वैकेंसी एक अलग उम्मीद की किरण लेकर आती है एक अलग मौका लेकर आती है इस मौके को जो है हाथ से जाने नहीं देना तो सब लोग मिल मेरे साथ लिखेंगे मिशन 2022 इस मोटो के साथ चाहे वो आपका एनवीएस का पेपर है चाहे वो आपका यूपी का पेपर है डी ट्रिपल एस का पेपर है एच एस का पेपर है कोई भी पेपर हो उसका वन स्टॉप सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रशांत बिल्कुल आपको मेरे पेड क्लासेज में पी मिलेंगे जिसमें से आप स्टडी कर सकते हैं और अगर आप लोग किसी और प्री ऑक्यूपेशन में हैं तो आपको फ्री हमारी जो लाइव लाइव क्लास है है के साथ 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 उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलता है। इसके साथ आपको स्टडी करने के लिए मेरे पीडीएफ्स भी मिलेंगे आप उसमें से स्टडी करोगे ये सब कुछ आपको जो है हमारे ऑनलाइन पेड बैच में मिलता है लाइव क्लास लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लास साथ के साथ आपको मेरे पीडीएफ भी स्टडी करने को मिलेंगे तो इसके रिलेटिंग बैच में रोल कैसे करना है मैं आपको एक बार क्लास के एंड में बता भी दूंगी ठीक है जी इतनी अच्छी मोटिवेशन मेरे स्टूडेंट्स में मैंने देख ली अब तो मेरे अंदर भी ज्यादा एनर्जी आ गई है तो सुबह से मैं थोड़ा सा लो इन एनर्जी फील कर रही थी पर आप लोगों का ये कमेंट देख के आप लोगों की मोटिवेशन देख के एनर्जी सी आ गई है शरीर में तो चलो आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं आज की क्लास आज और कल की दो क्लासेस में मैं आपका सारा जो ये इंडियन ऑथर्स वाला पोर्शन है निपटा दूंगी तो जरा ध्यान से मेरे साथ क्लास लीजिए ठीक है और अपने नोट्स मेरे साथ जरूर बनाते रहिए नोट्स आप लोगों ने बनाते रहने ठीक है जी चलो फिर क्लास शुरू करते हैं आप लोगों को मेरी क्लास का जो है आ, एक सेकंड रुकिए एक सेकंड रुकिए जरा आप लोगों ने क्या करना है आपको पता ही मेरी क्लास में सिस्टम क्या रहता है आपने जो है मेरे साथ की वर्ड्स को की एस्पेक्ट्स को कमेंट सेक्शन में लिखते रहना है ये आप लोगों ने जरूर करना है ठीक है तो ध्यान रखिए इसको और बैच को वीडियो को लाइक भी कर दो जरा फटाफट से लाइक बढ़ा दो वीडियो पे भाई लाइक्स लाइक्स ओनली लाइक हैं जितने लोग ले रहे हैं उससे ऐसे नहीं चलेगा काम लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो आगे ठीक है चलो क्लास शुरू करते हैं अच्छा मेरे पास आज पेन नहीं है आज हाथ से ही थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ेगा थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाए तो माफी करना ठीक है क्योंकि पेन नहीं आज मेरे पास ठीक है चलो हमारे पास जो फर्स्ट इंडियन बुक इन इंग्लिश जो हमारे पास ओल्डेस्ट ऑफ दीन मोहम्मद बाय लिख लो फटाफट से लिख लो हुँ. हमारे पास जो सबसे पहला रिकॉर्ड है ऑफ इन इंडियन बुक इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद बाय साके दीन पब्लिश इन दर से दिस इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश बुक दैट वी हैव इन आर हिस्ट्री ठीक है हरीश बिल्कुल वेरी यूजफुल हाँ जी बताइए आगे ठीक है द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश इज राजोह वाइफ अब देखो नेट लेवल के लिए तो ये थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन हैं पर मेरी बात समझिए किसी भी टीजीटी पीजी इंडिया का कोई भी टी जी टी पीजीटी एग्जाम है उनमें ये तरीके के आपके क्वेश्चन जो है ना ये यही आते हैं ज्यादा यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करके रखने हैं जिनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो साथ के साथ या तो कमेंट में लिखते रहो या नोट्स बनाते रहो बहुत जरूरी है स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना बीच बीच में ठीक है और ये एक दो क्लासेस में सारा मैं बढ़िया से निपटा दूंगी कोई टेंशन नहीं रहेगी इसके बाद आपकी ठीक है जी चलो द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश इन इंडिया इज राजोह वाइफ विच केम आउट इन दर एन सिक्सटी फोर बाय बंकिटर्जी अब इस एक लाइन से तीन क्वेश्चन निकल रहे हैं फर्स्ट नॉवल का नाम उसका ईयर और राइटर का नाम ये एक लाइन से तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकल रहे हैं आशीष बिल्कुल एन एफ टी ये एक लाइन से तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकल रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें देखना है ठीक है द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश इन इंडिया वॉज द परसिक्यूटर बाय के एम बैनर्जी विच केम आउट इन दर एटीन थर्टी वन मतलब हमारे पास नॉवल से पहले एक ड्रामेटिक वर्क आ गया था 1831 का फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश है 1864 का फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश इसका मतलब हमारे पास प्ले पहले आ गया था इंग्लिश में और नॉवल बाद में आया था। ठीक है जी आगे बढ़े सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोर्स द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टेगोर के साथ रबिंद्रनाथ टैगोर अपना पेन नेम यूज करते थे भानु सिंघा ठाकुर भानु सिंघा ठाकुर और भानु इनको भानुदा बोलते थे बंगाली में विद द एक्सेंट भानुदा बोलते थे वो चेंज हो के वर्ड ट्रांसफॉर्म हो के बन गया था फिर ठीक है सो भानु सिंह ठाकुर या भौनिता ये डोनेम जो है रबींद्रनाथ टैगोर इस्तेमाल किया करते थे एंड हानु द्रांसफॉर्म हो हो के भवनिता बन गया था फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर टू हैव वन अल लिटरेचर यूरोपियन राइटर टू विन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उनका ओरिजिनल वर्ग था गीतांजलि जिसको उन्होंने बाद में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में एज सॉन्ग ऑफरिंग जिसको फिर आगे नाइनटीन थर्टीन में नोबेल प्राइज मिला था नोट कर लो इनका जो वर्क हिंदी बेसिकली बांग्ला में था गीतांजलि उसकी इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की पहले और उस ट्रांसलेशन को फिर आगे तो ये बात मैंने नेट वाले मेरे स्टूडेंट्स को भी अभी रिसेंटली बताई थी आप लोग भी सुन लीजिए गीतांजलि को नहीं मिला नोबेल प्राइज सॉन्ग ऑफरिंग्स को मिला है सॉन्ग ऑफरिंग्स इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि ठीक है तो आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने लेम लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, आप लोगों ने टेक्निकल टर्म्स यूज करके बात करनी है यूजफुल है आपके फट सब सब पीजी के लिए इसमें इनकी जो हेल्प है वो कहीं ना कहीं की थी डब्ल्यू बी एड्स ने डब्ल्यू बी एड्स के साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर की फ्रेंडशिप हुई उससे उनको जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन की मोटिवेशन इंस्पिरेशन हेल्प मिली जहां से आगे उनको फिर नोबेल प्राइज मिलता है ठीक है इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हमें देखने हैं टाइटल्स देख लो द ब्रोकन नेस्ट गोरा द होम एंड द वर्ल्ड क्रॉस कर रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के टाइटल्स हैं ये ठीक है अब देखो जिस हमारे सिलेबस में हमारा जो भी सिलेबस uh, जैसे यूपी का हमारा बहुत ही क्लियर कट प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें हमारे पास मान लीजिए अभी कमला दास है निसे मेजैकियल है तो उनकी एक एक पोएम्स उनकी थीम्स को हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि उन्होंने सिलेबस को वहाँ लिमिटेड कर है उनके सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है जो वास्ट है वाइड है बहुत ही लिमिटेड बहुत ही क्लियर कट एक सिलेबस है ये राइटर्स आपने करने हैं तो उन राइटर के वर्क्स को हमें डिटेल में करना पड़ेगा अब जैसे हरियाणा का बैच हमारा अभी लॉन्च होगा एच का बैच लॉन्च हो रहा है एच के सिलेबस में ना आपको एक ओवरव्यू रखना है अपने पास एक ओवरव्यू रहेगा ऑफ इंग्लिश अमेरिकन एंड इंडियन राइटर्स तो चाहे फिर आपके पेपर्स हैं डी ट्रिपल एस बी एन बी एस है ठीक है थीके? इसमें अब जो जो राइटर्स को स्पेसिफिकली नेम्स में मेंशन नहीं कर रखा आपको सिर्फ जनरली उनकी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड के ऊपर जो है ध्यान रखना है ठीक है राहुल टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं ना टॉपिक्स में क्या चेंज आएगा राइटर्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे उनके वर्क्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे ठीक है तो आपको जो है आइडेंटिफिकेशन टॉपिक्स को जो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टॉपिक्स को याद रखना है टाइटल बेस्ड ठीक है इनके प्लेस को एक बार देख लीजिए वाल्मीकि प्रतिभा और द जीनियस ऑफ वाल्मीकि काला मृग और द फेटल हंट मायार खेला और द प्ले ऑफ इल्यूजन इंपॉर्टेंट वर्क है इनका अब ये जो हमारे वर्क्स हैं इनको याद रखिए ये वर्क्स के टाइटल्स आप लोगों को इनके बंगला फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं या आपको इंग्लिश ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं तो दोनों टाइटल्स की जो है इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट प्ले चित्रगंधा राजा और द किंग ऑफ द डार्क चेंबर डार्क घर और द पोस्ट ऑफिस इंपॉर्टेंट इसके अलावा चंडालिका और दी अनटचेबल गर्ल बिल्कुल तनु वेरी इंपॉर्टेंट टेगोर वाज इंफ्लुएंस बाय द रोमांटिक्स, बट अप्रिशिएटेड बाय द विक्टोरियंस एब्सोल्युटली, ठीक है इसमें से इंपॉर्टेंट वर्क्स, मायार खेला चित्रगंधा डाकघर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय रबीन्द्रनाथ टेगो चलिए मूविंग फॉरवर्ड कोई बात नहीं मिश्ती जी मूविंग फॉरवर्ड इनकी पोइट्रिक कलेक्शन हैं सॉन्ग्स ऑफ भानु सिमा ठाकुर द आइडियल वन द गोल्डन बोट सॉन्ग ऑफरिंग्स रीथ ऑफ सॉन्ग एंड द फ्लाइट ऑफ क्रीम्स

फिगर्स ऑफ स्पीचेस को हम डिटेल में देखेंगे कोटेशंस को जो है डिटेल में देखेंगे ठीक है एंड जनरली अगर आपका कोई और हम इंडिया का टी जी टी पी जी टी पेपर देखते हैं तो जनरली जो इंडियन राइटर्स इंडियन ऑथर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ठीक है जो भी अपने आप में ईजी नहीं रहता ऐसा नहीं आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ईजी रहते हैं इनको भी लर्न करना डिफिकल्ट रह सकता है आपने बस जो है मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी पिक्टोरियल मेमोरी को जो है फीड करते रहना है ध्यान रखना कोशिश करना हमेशा कि चीजों को आप देखते रहो चीजों पे जो है फोकस करते रहो चीजों को ध्यान देते रहो रीड करते रहो फ्री टाइम में इन चीजों को इनमें से नोट्स बना के ताकि जो है आपको कम टाइम में ये चीजें जल्दी लर्न हो जाए ठीक है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई रेमिस विच वॉज पब्लिश इन दर नाइनटीन ट्वेल्व जितने भी हमारे इंडियन ऑथर्स हैं, इनकी बायोग्राफीज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जिन भी मेन ऑथर्स की बायोग्राफीज मैं आपको यहाँ नोट करवाऊंगी दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू सो यू मस्ट रिमेंबर कंप्लीटली ओके हाँ जी ऑटोबायोग्राफी का नाम माई रेमिनि नाइनटीन ट्वेल्व अच्छा ये जो तनु फेजेस वाली क्लास है मुझे एक बता दो जरा मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी क्लास ली थी अपनी इंडिपेंडेंस डे पे जिसमें कि मैंने जो है पूरी जो इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री है उसको डिटेल में कवर करवाया था सारी फेजेस बताई थी उसमें कौन कौन से राइटर्स आ रहे हैं क्या सोशियो पोलिटिकल रीजन थे क्या आप सब लोगों ने मेरी वो क्लास देखी है डू यू वॉन्ट मी टू टेक इट अगेन क्या रहेगा उसका सीन या आप लोग जाके देख लोगे उस क्लास को इंडियन इंग्लिश राइटिंग के ऊपर फेजेस हिस्ट्री सोशियो पोलिटिकल रीजनस इसके ऊपर मैंने क्लास ली हुई है इंडिपेंडेंस डे पे ली थी स्पेशल क्लास ली थी आप लोगों ने क्या वो क्लास देखी हुई है नहीं देखी हुई तो देख लोगे या उसको मेरे को फिर से लूँ मैं बता दीजिए मुझे ज़रा उस दिन भी वैसे काफ़ी लोग आए थे हंड्रेड प्लस लोग लाइव क्लास में थे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने देखी होगी अली मेरे पास ऑनेस्टली देखिए मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ जब तक मेरे पास कोई डेट्स नहीं है झारखंड के बैच के लिए मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगी मैंने आपको एक आइडिया दिया था वो भी इसलिए बिकॉज स्टूडेंट्स मुझसे रोज़ दस दस बार पूछते थे मैं uh, दरअसल बैच स्टार्ट करना ना करना थोड़ा मेरे हाथ के बियॉन्ड की चीज़ें हैं तो तभी मैं आंसर नहीं दे रही थी आप लोगों को कि मेरे पास उसकी खुद की फैक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं अभी भी आप लोगों को नहीं बताऊंगी कोई डेट बिकॉज मुझे खुद उसका आइडिया नहीं है ठीक है जी तो हाँ जी Uh, तब तक मेरे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो है ज़रा फटाफट से मेरी वो पुरानी ना लिटरेरी इंग्लिश लिटरेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाली एक बुक क्लास देख लेना बहुत अच्छी है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और उसमें पूरी जो आपको इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस की है फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस ईरा टू द मॉडर्न ईरा आपको वो सब उसमें समझ आ जाएगा ठीक है तो उसको एक बार जरूर देख लेना नेक्स्ट राइटर है हमारे पास राजा राव नेक्स्ट राइटर हैं हमारे पास राजा राव राजा राव मुल्क आनंद आर के नारायण ये तो मैंने आप लोगों को उस वक्त वो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था राजा राव मुल्क आनंद ठीक है और आर के नारायण ठीक है ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे द थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन इंग्लिश फिक्शन सॉरी आज सॉरी ऐसी सी क्योंकि फिंगर पे फ्रिक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ द बोर्ड बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट विद माई हैंड बिकॉज मेरे पास पेन नहीं आज. है आज ठीक है हांजी राजा राव मुल्क राजा आनंद आर के नारायण पहले तो याद रखो ये तीनों हमारे पास जो है प्री इंडिपेंडेंस राइटर्स है प्री इंडिपेंडेंस से लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं लिखा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लिखा है पर इनका जो एक्टिव राइटिंग करियर है वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में स्टार्ट हो गया था ये तीनों ने मिलकर हमारे नोवेल फॉर्म को इस तरह डेवलप किया उसको इस तरह इवॉल्व करवाया कि उन्होंने उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड्स और जो रूल्स क्रिएट किए उनको सालों साल तक इंडियन इंग्लिश फिक्शन में यूज किया गया था इसलिए इन तीनों को मिलके कहते हैं द थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन अब ये अवार्ड्स वाले पर्टिकुलरली हमारे जो है एचटेट वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इतने तो मतलब डी ट्रिपल एसबी और यूपी के लिए और इतना तो एनवीएस के लिए भी अवार्ड्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके एचएसएससी वालों के लिए

तो जितने मेरे एच टेड वाले स्टूडेंट्स हैं आपको बता दूं जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है नया उसके अंदर मैं आपको ये सारा प्रिंटआउट ये सारे ये पीडीएफ्स भी दूंगी जिसके अंदर की मैं आपको जितने हमारे अवार्ड्स हैं क्योंकि अवार्ड्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ठीक है हाँ जी तो हमारे राजा राव जी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1969 में और पद्म विभूषण मिला था 2007 में पोस्ट ह्यूमसली ठीक है पोस्ट ह्यूमरसली 2007 में पद्म विभूषण और 1969 में पद्म भूषण अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनके नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप के लिए तो द सर्पेंट एंड द रोप 1960 का पब्लिश नोवेल है इसको आई थिंक 19 आई माइट बी मिस्टेकन पर आई थिंक 1964 में शायद 63 64 में आई थिंक इनको इस नोवेल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में या भी हमने नेट की क्लास में रिसेंटली डिस्कस भी किया इंडिया का पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था आर के नारायण के गाइड को आर की के नारायण के नोवेल द गाइड को द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंडियन इंग्लिश राइटिंग मिला था ठीक है वो मिला था इस नोवेल द गाइड के लिए ठीक है 1960 में उसके बाद जो सेकंड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर इंडियन इंग्लिश राइटिंग वो मिला था राजा राव के सर्पेंट एंड द रोप को रिया ये सारे टॉपिक सबके लिए रेलिवेंट हैं क्लास के बिगनिंग में लिखते हैं ऑल टीजीटी पीजीटी सो नॉट स्पेसिफिक फॉर वन पेपर दीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पेपर्स ओके जी नॉवल के अंदर हल्के से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसलिए हम इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह रहे हैं इस नॉवल के अंदर थोड़े से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसलिए हम इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह रहे हैं इसको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था इट वन द न्यू सेट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1988। एटी वाले आपके लिए खासकर बहुत जरूरी हैं ये अवार्ड्स। वैसे तो अभी हम इंडिविजुअल राइटर्स को कर रहे हैं मैं आपको जब पेड बैच में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं वैसे अलग से आपको पीडीएफ भी दूंगी जिसके अंदर मैं सारे अवार्डीज़, अवार्डेड राइटर्स अवार्डीज़ को जो है उसकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगी ठीक है आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं ये सारे हाँ जी इनके नॉवेल्स को देख लो फर्स्ट नॉवल वॉज कांथापुरा 1938 का जिसका की जो प्रीफेस है या सॉरी जो फॉरवर्ड है नॉट द प्रीफेस इस नॉवल का जो फॉरवर्ड है इट इज कंसिडर्ड टू बी द मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग इंडियन इंग्लिश राइटिंग का एक प्रोफेशनल मैनिफेस्टो जैसे कि रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो किसको माना जाता है द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स बिल्कुल वैसे ही इंडियन इंग्लिश राइटिंग का मैनिफेस्टो uh, uh, किसको माना जाता है द फॉरवर्ड टू द नोवेल कांतापुरा बाय राजा राव इसमें जो स्टोरी है वो कांतापुरा इज अ फिक्टिशियस साउथ इंडियन विलेज स्टोरी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मेन कैरेक्टर है इसमें हमारा मूर्ति इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है मूर्ति इस सेकेंड नॉवल वॉज द सर्पेंट एंड द रोप 1960 का आया था इसके लिए इसको क्या मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ठीक है सेमी ऑटो बायोग्राफिकल नॉवल है इनका ये हरीश तो हमें नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं है हरीश एक काम कर सकते हो अभी जो मैं पढ़ा रही हूं साथ साथ कमेंट सेक्शन में कीवर्ड्स लिखते रहो और इन पेजेस का स्क्रीनशॉट लेते रहो ये भी चल सकता है काम ऐसे कर लो ठीक है और लाइक से 47 है यार वीडियो पे कम से कम 50 प्लस लाइक्स तो लाइक्स तो दे दो ना यार लाइक से 47 है 50 प्लस लाइक्स तो दे दो हाँ नेक्स्ट इनका नोवेल आता है द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 कॉमरेड किरिलोव 1976 एंड द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1980 एट याद रखना राजा राव का कांतापुरा इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ रीजनल नॉवल रीजनल नॉवल की कैटेगरी में पुट होता है क्योंकि जिस तरीके से थॉमस हार्डी ने अपने एक वेसेक्स एरिया बनाया था एक फिक्टिशनल टाउन जिसपे अपने नॉवेल्स को बेस किया कांतापुरा भी वैसा एक फिक्टिशियस विलेज है जिसकी की ज्योग्राफी लैंडस्केप्स को बहुत ही क्लियरली रि, रियलिस्टिकली उन्होंने जो है डिपिक्ट किया हुआ है ठीक है जी मैम शुभम यस ऐसा मत समझिए कि कोई एक टॉपिक एक ही क्लास वालों के लिए जरूरी है घूम फिर के आप सबके यही टॉपिक्स हैं जितने भी हमारे टीजीटी पीजी के इंडिया में पेपर्स हैं आप सबको घूम फिर के टॉपिक्स यही करने कॉमरेड यानी कंपेनियन हुमा ओके okay? तो आप ये मत सोचो कि अब एच आ गया है तो यूपी वालों को नहीं आना है क्लास में ऐसा नहीं है आप सबके लिए ये टॉपिक्स रेलिवेंट हैं रोज की क्लास में हर एग्जाम वाला हर स्टेट वाला कुछ ना कुछ सीख रहा है किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है ओके इनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन देख लो द काव ऑफ द बैरिकेड्स पुलिस मैन एंड द रोज ऑन द गंगा घाट तो आपने टाइटल्स को याद रखना है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आ सकते हैं ये टाइटल्स को आप लोगों ने जो है याद रख लेना है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं ठीक है वर्षा बस देखो बारह तेरह हजार इन्होंने भर्तियां करनी थी सात साढ़े सात हजार टीजीटी की निकाल दी है तो बस शायद अब पीजीटी भी दूर नहीं है इतनी निकलेंगी इसकी भी छह सात हजार तो फिर पीजीटी की भी निकालेंगे जल्दी आ जाएंगी अभी एक बार टीजीटी पे फोकस रखते हैं पहले तो सब लोग अपने एच का सोचो एच टेट एच टेट का पेपर पहले क्वालिफाई होगा बाकी की बातें तो उसके बाद में है ठीक है ये लिख लिया आप लोगों ने नेम्स कमला दास को तो मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर सकती हूँ बिकॉज यूट्यूब पे इनके ऊपर हमने एक स्पेशल क्लास ले रखी है इनका जो ओरिजिनल बेसिकली नेम इन्होंने अपना औरिजिनल uh, आज के टाइम में आ, मतलब बाई डेथ बाई द टाइम शी डाइड ऑफिशियली जो इनका नाम था कमला सुरैया बन गया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था शी कन्वर्टेड इंटू अ मुस्लिम तो उसके बाद उनका नाम कमला सुरैया बन गया था ठीक है माधवी कुट्टी इनका ओरिजिनल सरनेम था एज अ मलयाली जो इनों का बाद में पेन नेम भी यूज हुआ शादी के बाद ही कमला दास बन गई थी और अपने लवर के कहने पे इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था फिर वहां से कमला सुरैया मलयालम में लिखती थी साथ ही साथ इंग्लिश में लिखती थी मलयालम और साथ ही साथ इंग्लिश में मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था इनकी पर्टिकुलर बायोग्राफी वाली क्लास में कि इंग्लिश में जनरली हम इनको इनकी पोएट्री के लिए जानते हैं मलयालम में इनको जनरली इनकी ऑटोबायोग्राफी और इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है याद रखिए इस बात को इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनकी शॉर्ट स्टोरी थनुपू के लिए इन 1968 नोट कर लो इनकी शॉर्ट स्टोरी थी थनुपूर् उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड केरला का मिला था 1968 में याद रखो हमारे पास एक इंडिया का साहित्य अकादमी है हर स्टेट ने अपना अपना साहित्य अकादमी बना रखा है ठीक है तो इनको केरला का मिला था इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय स्टोरी 1976 में आई थी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी नाइनटीन में आई थी ठीक है मैम सी वाले एच का एग्जाम दे सकते हैं एग्ज़ाम का एग्जाम नहीं पलवी नहीं सी नहीं अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी आपको एच टेट क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही आप एच एस एग्जाम दे सकते हो आपको कंपलसरी है एच टेट देना एच टेट के बिना नहीं हो पाएगा ठीक है सी को मान्यता नहीं दी गई है इनका बहुत ही फेमस नॉवल है एल्फाबेट ऑफ लस्ट

बिल्कुल तनु माय मदर एट सिक्सटी सिक्स मैंने उस टाइम बायोग्राफी क्लास में भी कराया था कि सीबीएसई की प्रिस्क्राइब पोयम है इंपॉर्टेंट पोयम है नेक्स्ट राइटर हमारे पास है इंपॉर्टेंट अनीता देसाई अनीता देसाई को मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन नोट डाउन कर लो स्पेशली एचटेट वाले स्पेशली स्पेशली एच टेट के एस्पिरेंट्स हैं ना टी टी लिए बहुत जरूरी हैं इतने तो वालों के लिए भी नहीं है तो जो जो भी मेरे वाले हैं यहाँ पे इट रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड इन नाइनटीन सेवन एट फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन और इनको गाजिंग प्राइज मिला था फॉर द वर्क विलेज बाय दी नाइनटीन एटी थ्री द द विलेज बाय सी वर्क के के लिए लिए इनको मिलता है 1983 में। बुकर दो बार शॉर्टलिस्ट हुई थी एक बार अपने फेमस नॉवल इन कस्टडी के लिए दूसरी बार अपने वर्क फास्टिंग फीसटिंग के लिए बुकर प्राइज के लिए दो बार नॉमिनेशन मिली एक बार इनके नोवेल इन कस्टडी के लिए दूसरी बार फास्टिंग फीसटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की ब्लियोग्राफी बाय, मैंने आपके लिए ऐड कर दी है अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं आपके टीजीटी पी जी टी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही दिखेंगे जहाँ पे आपको टाइटल्स दे देंगे दें और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा इनका वर्क है कौन सा नहीं है तो इनका जो वर्क है इनमें से अब एच का मैं एग्जाम्पल बताऊँ एच का मैं भी पेपर देख रही थी आपका पीजीटी का ठीक है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय अनीता देसाई करके क्वेश्चन है चार वर्क्स हैं उसमें से एक नहीं है आपको वो आइडेंटिफाई करना था इसी लिस्ट में से है ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में आ रहे हैं आपने इनकी तैयारी रखनी है क्राई द पीकॉक वॉयसेज इन दिटी लिखना मत ये सब इसको स्क्रीन ले लो बाय बाय ब्लैक बर्ड वेयर शाल बी गो दिस समर फायर ऑन द माउंटेन क्लियर लाइट ऑफ डे जर्नी टू इथाका बॉम गॉटनर्स बॉम्बे बॉम गॉटनस बॉम्बे से तो नेट में भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं नेक्स्ट हमारी वर्कर राइटर हैं अमृता प्रीतम जिनका जो मेजर जॉनरा ऑफ राइटिंग है वो है हमारा पार्टिशन लिटरेचर शी अलोंग विद खुशवंत सिंह टू बोथ ऑफ देम वी कैन क्लासीफ पार्टिशन राइटर्स पार्टिशन के हॉरर्स को डिपेक्ट किया है इन्होने अपने वर्क के थ्रूज फर्स्ट वुमन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवॉर्ड फॉर हर वर्क सुनंदे और वर्क केम आउट इन फिफ्टी सिक्स पहला साहित्य अकादमी तो मिला था 1960 में आर के नारायण को द गाइड के लिए वो वर्क है 1953 54 का पब्लिश 1960 में उनको वो अवार्ड मिलता है शी वॉज देन द फर्स्ट वुमन टू अन साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्क के लिए सुनंदे है और मैसेजेस विच केम आउट विच पब्लिश इन 1956 पंजाबी अकेडमिक अवार्ड पाकिस्तान का क्यों अवार्ड मिला होगा पार्टिशन स्टोरी है ना इन्होंने भी आ, ये भी इन्होने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से इंडिया में तो वो जो स्टोरी है वो यहाँ पे बेसिकली बताई गई है अच्छा शुभम नहीं नहीं शुभम पता है क्या वो बस ये होता है कि इस वक्त किसी वक्त कोई अगर वैकेंसी है तो उन स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन मिल जाए उसी वो टाइटल्स आते हैं वरना आई कैन श्योर यू कि कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो जनरली एक टॉपिक या अदर्स आप लोग आप लोग की सारी क्लासेस रोज मेरे साथ चार बजे जुड़ो और रोज मेरे साथ इन क्लासेस में से अपने टॉपिक्स कवर करो मेरे हिसाब से आप फायदे में ही रहोगे इसके ठीक है शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द पंजाब रतन अवार्ड एंड ऑल्सो शी रिसीव द भारतीय ज्ञानपित अवार्ड इन नाइनटीन एटी टू फॉर हर वर्क कागज तनवस कागज ते कैनवस के लिए उनको नाइनटीन एटी टू में मिला था द भारतीय ज्ञानपित अवार्ड बिल्कुल सोनिया बिल्कुल पिंजर मूवी इन्हीं पे इसी स्टोरी पे बेस्ड है श्रीवान पद्मश्री नाइनटीन सिक्सटी नाइन एंड पद्म विभूषण इन टू थाउजेंड फोर इनकी सबसे फेमस पोयम आज आखा वारिश शानू इंग्लिश में टुडे आई इन वोक वारिश शाह पार्टीशन हॉरर्स को डिपिक करती हुई इनकी सबसे फेमस रेनाउंड पोयम है आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे टुडे आई इन वोक वारिश शाह इनका सबसे फेमस नॉवल था पिंजर 1950 में आया था जिसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है ठीक है अभी भी सोनिया ने आइडेंटिफाई किया इनका सबसे फेमस नॉवल आया था पिंजर 1950 का जिसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी है इनकी फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन थी अमृत लहरा और इमोटल फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन आई थी 1936 की अमृत लहरा और इमोटल वेव्स यस yes, पिंजर मतलब स्केल्टन इन पंजाबी पिंजर मतलब स्केल्टन नो प्रॉब्लम शुभम आप रोज चार बजे यहीं जुड़ा करिए कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जो कोई बहुत ही स्पेसिफिक होगी तो वो तो मैं अपने आप बता दूंगी कि जैसे अब यूपी टीजीटी का मिल्टन है वो यूपी पीजीटी के लिए रेलिवेंट नहीं है तो वो क्लैरिटी थी यूपी पीजीटी वालों को कि उनकी विश है वो क्लास देखें या ना देखें गर्ल्स वर्दी यूपी पीजीटी के लिए रेलिवेंट नहीं थी पर गर्ल्स वर्दी एन के लिए भी रेलिवेंट है डी ट्रिपल एसपी के लिए भी है झारखंड के लिए भी है है ना तो ऐसे हम चलते रहेंगे पर आप रोज रेगुलर क्लास में आओ इसका फायदा ही रहेगा अच्छा इनके बहुत सारे वर्क्स में इनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इन्होंने एक नहीं इन्होंने कई ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे हैं रसीदी टिकट इट वाज अबाउट हर लव स्टोरी विद द फेमस उर्दू पोइट एंड लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी इन, इनकी जो लव स्टोरी थी साहिर लुधियानवी के साथ उसके ऊपर इन्होंने वर्क लिखा था रसीदी टिकट बाद में राइटर इमरोज के साथ इनकी लव स्टोरी को इन्होंने बयां किया था अमृत इमरोज में नेक्स्ट इन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है काला गुलाब एंड द लास्ट इज अक्षरा देसाई साई शैडोज ऑफ वर्ड्स हाई मीनाक्षी इज इट योर फर्स्ट क्लास आई यू टारगेटिंग द एचटेड पेपर आई होप यू आर जॉइंग द क्लास बाय द वे एंड प्लीज पुरानी क्लासेस भी मेरी जरूर देख लेना रिकॉर्डेड वर्शंस ठीक है हाँ जी ठीक है जी चलो क्लास का टाइम हो गया खुशवंत सिंह रह गए हैं हमारे और आर के नारायण अरुंधति रॉय ये तीन टॉपिक्स रह गए हैं ये मैं कल की क्लास में फिनिश करके जो दूसरा मेरा बचा हुआ वर्क है जो इम्पोर्टेंट अदर राइटर्स हैं विजय तेंदेल विजय तेंदुलकर गिरीश कन्नड़ ठीक है ये कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं निमजैकिल इनको मैं टेकअप करूंगी कल वाली क्लास में तो कल वाली क्लास में फिर से जो है मेरे साथ यहीं पर चार बजे और मैं अभी बता रही हूँ ये इंडियन राइटर्स की जो राइटिंग और अवॉर्ड वाला पार्ट है ना ये सभी ऑल टीजीटी पीजीटी के लिए रेलिवेंट रहेगा आप ये मत सोचना एचटेट का हो गया है ये उसके लिए नहीं है ये उसके लिए नहीं है मत सोचना ये आप सब लोग इसकी क्लास लो और आप सब लोग जो है इसके नोट्स बनाओ ठीक है स्क्रीनशॉट लेते रहना क्लास की लाइक कर दो क्लास पे ठीक <laughs> है बैच के बारे में बता दूं फिर से एचटेट का देखो मेरा एचटेट का टीजीटी पीजीटी बैच लॉन्च हो गया है आपको मैं बता दूं अभी वैसे मैं सिलेबस डिस्कस भी करूंगी इसमें आपको जनरल टॉपिक्स भी कवर करनी है ठीक है ना जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी इसके अलावा सीडीपी थोड़ा लॉजिकल थोड़ा न्यूमेरिकल ये सारा तो करना ही है इसके साथ आपको साथ आपको साठ मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कवर करना है इंग्लिश का पोर्शन अच्छा उसमें आते हैं दो तरीके से अभी मैं बताऊंगी दूसरी क्लास में उसमें आपको एन कवर करनी है प्लस आपको लिटरेचर वाला पार्ट कवर करना है आपको आपको वाला करना करना है है ये सारा आपको उसमें कवर है। तो ग्रामर तो आपकी की की हो गई और में में जो है <coughs> में आपका और ग्रामर का पोर्शन आ गया तो ग्रामर तो और ज्यादा उसकी वेटेज यहाँ बढ़ जाती है तो बैच में जो जो इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें मैं आपको एक सवा एक महीने में जो है एचटेट क्लियर कैसे करना है तो मेरा एक्सपर्टीज ही इसमें कि फर्स्ट अटैम्प में कैसे पेपर्स को क्वालिफाई करते हैं कम से कम टाइम में पेपर्स को कैसे क्वालिफाई करते हैं मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इसमें है एंड लाइक आई ऑलवेज से दट बिकॉज आई माई सेल्फ कम फ्रॉम हरियाणा माई फैमिली इज वर्किंग एज एजुकेटर्स इन हरियाणा राइट नाउ लेक्चरार्ज एंड प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल एंड आई माई सेल्फ हैव डन दैट जॉब आई माई सेल्फ वॉज एम्प्लॉयड एज अ गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरार इन हरियाणा सो आई काइंड ऑफ आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर ऑल द पैशन एंड डेडिकेशन फॉर दिस जॉब कम्स एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट सो so, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आपको लगता है कि इसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा उठाना है तो बैच में जो है फटाफट से एनरोल कर लो बैच का जो हमारा प्राइस है वो तकरीबन सिक्स ट्रिपल नाइन है सात हजार रुपए का बैच है पर आपको इतना पे नहीं करना है आपने मेरा कोड लगाना है वाई फाइव फोर टू डिस्काउंट मिलेगा आपको इससे सेवेंटी एट परसेंट मैक्सिमम का एवरेज एक कोर्स आपको फिर पंद्रह सौ का ही पड़ेगा पंद्रह सौ से ज्यादा का नहीं पड़ेगा पंद्रह सौ से कम का ही पड़ेगा ठीक है एनरोल करने का तरीका मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ ठीक है ये देखो अडर ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पे जाके या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो उसमें ना ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए ऑल कोर्सेज में टीचिंग सेक्शन में जाना टीचिंग का एग्जाम है एच क्लिक करना ये देखिए तो जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आप किसी को जानते हो जो किसी और सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं आप क्या कर सकते हो ना जैसे इंग्लिश का आ गया कॉमर्स जोग्रफ़ी होम साइंस सारी तो लैंग्वेजेज हैं हमारे पास सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं सारे एस सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हमने आपके लिए फिजिकल एजुकेशन होम साइंस तक है ठीक है क्योंकि आपकी डिमांड थी

ठीक है बैचमैन रोल करने के लिए जैसे मैंने बोला आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सिक्स ट्रिपल नाइन का कोर्स है पर आपको इतना नहीं पे करना है यहाँ कूपन कोड ऐड करने की जगह आएगी वहां मेरा कोड लगा देना वाई फाइव फोर टू ठीक है वाई फाइव फोर टू लगा के देखो यहाँ पे आपको सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट है एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उस पर सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट है सो एवरी पेनी काउंट्स ठीक है ये जो कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है सोलह सौ रुपये का एप्लीकेशन पे पंद्रह सौ रुपए उससे भी कम का आपको पड़ेगा ठीक है तो फटाफट से जो है बैचमैन रोल कर लो छे अक्टूबर से जो है मेरी क्लासेस शुरू हो रही है बिल्कुल मनीष सिलेक्शन मोटो अपने दिमाग से आपने नहीं जाने देना है तो विदाउट एनी फर्दर डू आई विल सी यू देयर इन माय नेक्स्ट बैच एच टेट के उसके बाद जो है फटाफट से आपके लिए एक टीजी टी पीजीटी बैच भी निकालेंगे एच एस एस सी का तो पहले एच टेट क्वालिफाई कर लो बाकी की बातें तो बाद में देखेंगे ठीक है तो चलो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम चल देन टेक केयर बाय बाय